नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते खबरों की ओर। प्रधानमंत्री की घोषणा अनुसार 16 जनवरी यानी आज से बांका के अन्य सभी स्थानों पर, बांका जिले में 7 जगहों पर वैक्सीन टीकाकरण की कड़ी सुरक्षा और डॉक्टरों की पैनी नजर के बीच बांका के तमाम फ्रंटलाइन वर्कर के बीच कोविड-19 वैक्सीन देने की शुरुआत हुई। पहला वैक्सीन लेने वाली का नाम गुड़िया देवी, दूसरा व्यक्ति सूरज हरी, तीसरा राजा कुमार। वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति को 1 घंटे बैठाने के बाद ही भेजा गया। वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति ने एक दूसरे से अपील की, कोविड-19 के वैक्सीन से किसी प्रकार का हानि नहीं है। डीएम सुहर्ष भगत ने बताया कि सप्ताह में मात्र 4 ही दिन शिविर लगाया जाएगा। आज 7 जगहों में 100 आदमी को वैक्सीन लगाई गई। अभी तो लेकर आए हैं, बहुत बढ़िया है, अच्छी लग रहा है। कोरोना से आप तो लड़ सकते हैं। पहला टीका आपको लगा, कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगी आप? आज से जो है हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू हो रहा है। आज हम लोग के यहाँ 7 सेंटर्स पे, सदर हॉस्पिटल को मिला के 6 और सेंटर्स पे ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आज हम लोग का 100-100 का अभी फर्स्ट फेज में टारगेट है प्रतिदिन करने का। अमरपुर थाना परिसर में सीओ स्वाति कृष्णा एवं पुलिस अवर निरीक्षक राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जमीन संबंधित 15 नए आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें खेमीचक गांव के राम प्रसाद मांझी ने अपने गोतिया पर जबरन घर बनाने का आरोप लगाया। बाजा मोड़ अनंत कुमार पंडित, डुमरिया गांव के आनंदी मंडल, भैड़ा गांव के सुबोध यादव, मोहदीनगर गांव के सुनील दास ने जमीन पर जबरन कब्जा आरोप लगाते हुए आवेदन दिया। वहीं मौके पर 6 पुराने मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। शेष आवेदनों के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत कराने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर प्रभारी सीआई ध्यानित कुमार यादव, प्रशिक्षु दरोगा सुमन ठाकुर समेत अन्य पुलिसकर्मी व फरियादीगण उपस्थित थे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।